बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और हम तैयार करेंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से एक मज़ेदार सब्ज़ी जो कि है भिंडी की सब्ज़ी और थोड़ा सा इसमें कलौंजी, रायदाना और मेथी का इस्तेमाल करेंगे। और आप देखिएगा कितना कम तेल का इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ 2 टेबलस्पून हमारा अपना कोलेस्ट्रॉल फ्री डालडा कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर इन्ग्रीडियंट्स आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी तरकीब की तरफ चलेंगे। हमें यहाँ पर 1/4 टीस्पून कलौंजी चाहिए, 1/2 टीस्पून रायदाना, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, इसमें हमें 1.5 टीस्पून बिल्कुल फाइनली चॉप्ड हमें इसमें लहसुन चाहिए, 1/2 प्याज चाहिए हमें जिसको आप बिल्कुल फाइनली चॉप कर लीजिए, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, उसके साथ हसबे ज़रूरत नमक और 1 टमाटर बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, और उसके साथ 1/2 किलो भिंडी जिसको आप बिल्कुल चॉप कर लीजिए, और उसके साथ आधी मुट्ठी भर धनिया, हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश, और 2 अदद हरी मिर्चें। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं और यहाँ पे मीडियम आंच पे अपने चूल्हे को रखा और यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें इजी पॉट टेक्नोलॉजी के थ्रू 2 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल। अच्छा नाज़रीन, जैसे ये गरम होगा तेल अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 सेकेंड लगेंगे, आप उसमें शामिल कीजिएगा कलौंजी, रायदाना, मेथी दाना और ज़ीरा, और जैसे ये कड़कड़ाने लगेंगे, खुशबू आने लगेगी मेथी रायदाने की, उसके बाद हम 1 by 1 जल्दी जल्दी सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। अच्छा, ज़्यादा हमने सब्ज़ी को नहीं पकाना, इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। पहले ले लेते हैं जी एक कॉल, कौन है हमारे साथ? सलाम अलैकुम जी, कौन बोल रहे हैं? सायरा बोल रही हूँ जी। सायरा, सलाम अलैकुम, कहाँ से बोल रही हैं? सायमा बात कर रही हूँ, कराची से। जी सायमा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सायमा, आप अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, काफी डिफरेंट अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सायमा, बहुत शुक्रिया जी। सायमा, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मुझे भी ये वेट रिड्यूस का ही बहुत मसला था, मतलब बेबी के बाद ना इतना हो गया मेरा वेट कि वो अब 84 हो चुका है। अच्छा, उम्र क्या आपकी? और उम्र मेरी 28 साल है। अच्छा, और अभी कितना है वजन? 84। हाँ, ज्यादा है ना थोड़ा सा। बहुत ज्यादा है, और मतलब पेट का तो बहुत ज्यादा ना, और मतलब ये कि खून की बहुत कमी है। डाइट की कोशिश करती हूँ तो वो जैसे और जिस्म फूल जाता है, खून इतना कम हो जाता है कि सफेद रंग हो जाता है। नहीं, आप हेल्दी तरीके से डाइट नहीं कर रही ना, इसीलिए तो हम आपको भेजेंगे हेल्दी तरीके से, आपका वेट आपकी बिल्कुल गिराएंगे, आप फिक्र ना कीजिएगा। मुझे ना ये खासतौर पर जो बेली की एक्सरसाइज है ना, ये तो बहुत ही जरूरत है इसकी, ये जो आप पेट की ना जी, तो ये मैं आपको भेजती हूँ, आप लाइन पर रहिएगा, आपको हम डाइट प्लान आपकी एज और आपकी हाइट के मुताबिक वो भेजेंगे, और साथ ये पेट की एक्सरसाइजेस, लेकिन आपने बिल्कुल इस पे अमल जरूर करना है। अच्छा, हाँ, दिल लगा के 8 हफ्ते ये एक्सरसाइज आपने करनी है, तभी आपको असर इसमें नजर आएंगे। हाँ, मतलब वेट तो रिड्यूस होगा ना इससे? ऑफ कोर्स होगा, लेकिन दिल लगा के करना है 2 महीने। हाँ, और वजन बिल्कुल गिरेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है? अच्छा, ठीक है, और उसके बाद दोबारा आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, रापता करना है, ताकि आपको मैं गाइड कर सकूं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जब वजन सारा गिर जाएगा। वजन बिल्कुल गिरेगा, आप उसमें उस पर बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ठीक है सायमा? तो लाइन पर रहिएगा, अपना पूरा नाम और एड्रेस हमारे कंट्रोल रूम में जरा लिखवा दीजिए ताकि हम आपको भेज दें फौरन। अच्छा जी, यहाँ पे हमने चारों मसाले इसमें शामिल कर दिए, अब हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे 2 टीस्पून, और साथ ही लहसुन के साथ साथ 1/2 प्याज। अच्छा नाज़रीन, प्याज और जब लहसुन हम शामिल करेंगे तो एक मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिफरेंट तरीके से इसको बना रहे हैं, बनिस्बत ज़्यादातर ये होता है कि पहले हम प्याज डालते हैं और फिर लहसुन अदरक और उसके बाद इसको तैयार करती हूँ, अमूमन सब्ज़ियाँ इसी तरह तैयार की जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फ़र्क है, और यही इन्हीं मसालों को अगर आप थोड़ी सी रेसिपी ज़रा सी बदल दें तो बिल्कुल फ्लेवर ही बदल जाता है। यहाँ पर हमने लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ जब आपको आप देखें कि इसमें बिल्कुल खुशबू आ रही है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार है। अच्छा, इसमें प्याज जो है उसका सिर्फ हमने कच्चापन दूर करना है, सिर्फ थोड़ा सा उसको फ्राई करना है लहसुन के साथ, जबकि आप देखिएगा क्योंकि उसका जो उसका जो टॉप लेयर है वो बिल्कुल ग्लॉसी और शाइनी हो जाएगा, इसका मतलब है कि प्याज बिल्कुल सही है, आपको और नहीं मज़ीद उसको लाइट ब्राउन रंग नहीं देना। अच्छा जी, अब आप इसमें 1/2 किलो भिंडी शामिल कर दीजिए और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए, इसमें कोई पानी का इजाफा नहीं करेंगे, और साथ आपको ये भी बताती चलूं कि कोई भी सब्ज़ी आप घर में तैयार कर रहे हैं आप कम तेल में उसको तैयार कर सकते हैं, जैसे कि हम अब कर रहे हैं आपके सामने, और आपने ज़्यादा सब्ज़ी को नहीं पकाना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्ज़ी को पकाएंगे उसका टेक्सचर
खराब हो जाएगा और उसमें जो जान होगी, मिनरल्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स और विटामिंस होंगी, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, तो सब्ज़ी खाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, साथ आपने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी और इन दोनों मसालों के साथ आप अच्छी तरह भिंडी को पहले इस सब मसालों में मिक्स कर लीजिए और फ्राई कर लीजिए। ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह इसमें घुल मिल जाएं और ये सब कोट हो जाए। और आपको साथ ये भी बताती चलूं कि डायबिटिक्स, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ज़ाबतीस की प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, उसमें आपको ये जो शुगर स्टेबलाइज़र भी है भिंडी, तो उनके लिए उनकी डाइट में ये शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये फूड स्टेबलाइज़र शामिल करें। और ये डाइजेस्टिव ट्रैक की भी कोटिंग करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और आपको पता है कि जिनको अल्सर की तकलीफ़ है, इससे ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी उनके लिए नहीं हो सकती। तो अपने घर में खूब बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। और आपको ये भी बताती चलूँ एक्सक्यूज़ मी कि एस्मा जिनको है, एस्थमा, दमे की जिनको तकलीफ़ है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली बच्चों को जब एस्मा हो जाता है तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत तकलीफ़ दह चीज़ है। जब बच्चे को सांस नहीं आता तो उनकी डाइट में भी आपको थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ऑल्टर करना है, थोड़ा सा बदलना है। भिंडी ज़रूर उनकी डाइट में शामिल कीजिए, या तो उनको अगर आप वैसे भिंडी दे देंगे शायद बच्चे ज़रा मुश्किल से खाते, लेकिन अगर इसको किसी तरीके से उनको और मतलब अंग्रेज़ी स्टाइल में स्टफ़ फ्राई कर दें तो वो फिर उस तरीके से खा भी लेंगे बनिस्बत नॉर्मल जो हम लोग रोज़ रेसिपीज़ बनाते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एस्मा के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। पहले हम ले लेंगे जी एक कॉल, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ। आमना, क्या हाल है जी? आयशा, क्या हाल है? आप ठीक हैं? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे मिल गया डॉक्टर ने तो माशाल्लाह मिल गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो वो एक्सरसाइज सुबह ही पेप करनी है या 11 बजे आप बता रही थी जी? सॉरी मुझे आप आवाज़ नहीं आ रही, क्या आपने कहा? एक्सरसाइज सुबह के टाइम कर रही है या 11 बजे? नहीं, आप सुबह के टाइम भी कर सकती हैं। आप नाश्ता कितने बजे करती हैं? 7:30 बजे इस पे लिखा हुआ है। आप सुबह 7:30 बजे करेंगी नाश्ता? जी हाँ। अच्छा ठीक, अप्रोक्सीमेटली फिर आपको अराउंड 10:30-11 बजे आप एक्सरसाइज कीजिएगा। अच्छा, तो 10:30-11 बजे 10:30-11 बजे दूसरा मेरी बात सुने, वो उसके अलावा जो है ना ये जो दही वगैरह ले सकती हूँ उसमें? मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। दही ले सकती हूँ? दही ले सकती हैं बिल्कुल, घर में बना है वह? नहीं, ये बाजार का ही होता है। अब वो थोड़ा स्वीटेंड होता है, वो नहीं वगैरह ना लूँ? नहीं, उसमें चीनी होती है ना। अच्छा अच्छा, आपको बिल्कुल इसी पे अमल करना है। अच्छा, और कोई चीज इजाफा नहीं करना क्योंकि फिर वो असर नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है ना आयशा जी? अब नहीं तो वो असर नहीं करेगी, अगर आप उसमें अपनी मर्जी की चीजें शामिल करेंगे तो वो फिर डाइट नहीं रहेगी ना। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात पूरी समझ नहीं पाई, दोबारा मुझे जरूर फोन कर लीजिएगा। बट ये जो डाइट्स आप लोगों को प्रोग्राम्स मिल रहे हैं और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स, इन पे ज़रूर अमल कीजिए, लेकिन अगर इसमें आपने एक दो चीज़ें अपनी खुद शामिल कर ली तो वो बिल्कुल अपसेट हो जाएगी डाइट और उसमें शुगर का कॉन्टैक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि इसी पे बिल्कुल अमल कीजिए और इंशाल्लाह इसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स हासिल कीजिए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हमने भिंडी में टमाटर 1 अदद शामिल कर दिया और अब हम इसको ढक देंगे जब तक टमाटर बिल्कुल इसमें घुल मिल नहीं जाता। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट, उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया और हसबे ज़रूरत नमक शामिल करके इसको आपके लिए पेश करेंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा एंड वी विल बी राइट बैक।